कंज्यूमर के मैक्रोइकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो अनइम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैंक रेट्स का इंक्रीज डिक्रीज होना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होना, इसके बारे में हम लोग इस साल फिर स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट में बाद के चैप्टरों में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। सबसे पहले हम लोग इजी से टफ वे की तरफ चलते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है? दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है वो हमारी होती है फाइनल गुड्स, मतलब कि जो बनकर कंप्लीट हो चुकी है, जिनके कंज्यूमर सिर्फ परचेस करेगा, प्रोड्यूसर सेल करेगा और कंज्यूमर जिनको यूटिलाइजेशन कर लेगा, जिनको कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये दो तरह से होती है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर्स गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, जिनको कि फाइनल यूजर्स ने, फाइनल कंज्यूमर्स ने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, वो हमारी क्या हो गई? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। उसी तरह से फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड जनरली यूज्ड अ फिक्स्ड असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है जिनको कि प्रोड्यूसर्स ने गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए परचेज कर लिया है। लाइक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स का एग्जाम्पल है ब्रेड और बटर, जिनको कि हम यूज़ करने वाले हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में हमारे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, जिनको कि हम प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं, प्रोडक्शन में जिनकी हेल्प लेने वाले। चलो एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से डेट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। क्या हम कह सकते हैं एक गुड्स ने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है? फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास में एक इंडस्ट्रीज है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में यदि हमारे पास रेयोन है, रेयोन के सिल्क है, थ्रेड है, धागे हैं, तो वो जो धागे हैं वो धागे हमारे कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो बनकर कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसी के बाद यदि उसका क्लॉथ्स बनके प्रिपेयर हो जाता है और वो क्लॉथ्स फिर बाद में जब शर्ट बनकर कंप्लीट हो जाता है, वो शर्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर परचेस कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिन्होंने की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, इसमें और वैल्यूएशन ऐड होना बाकी है, वो हमारी क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिनको कि एक फर्म परचेस करेगी और दूसरी फर्म उसको वापस क्या कर देगी? कंप्लीट करके रीसेल कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, शर्ट परचेज्ड बाय फर्म एक्स फ्रॉम वाई टू रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स।
किसी एक पर्सन ने जिसने की शर्ट का कपड़ा परचेस किया, फर्म एक्स ने वो फर्म वाई को सेल कर रही है, फर्म वाई जो है उस कपड़े का शर्ट प्रिपेयर करके कारपेंटर के पास जाकर, सॉरी शर्ट का कपड़ा प्रिपेयर करके शर्ट के कपड़े की शर्ट प्रिपेयर करके और जब वो सेल कर देंगी वो हो जाएगी हमारी फाइनल गुड्स। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं कि जो वुड बनाने वाला है, जो लकड़ी बनाने वाला है, जिसके यहाँ लकड़ी मिलती है, वो लकड़ी हो गई हमारी इंटरमीडिएट गुड्स और वही लकड़ी यदि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, वही लकड़ी का यदि चेयर और फर्नीचर बन गया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स हो जाएगी। ऐसा बोल सकते हैं इंटरमीडिएट में जब और वैल्यू एडिशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। आप ही की बुक्स में एक डिफरेंस दे रखा है इंटरमीडिएट गुड्स का और फाइनल गुड्स का। इंटरमीडिएट में पहले फाइनल का बोलूँगी, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जिन्होंने की बाउंड्री लाइन को कंप्लीट कर लिया है और यूजर्स डायरेक्ट उसको यूज़ कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अभी बाउंड्री लाइन पर ही है, जिनको कंप्लीट होना क्या है, बाकी रह गया है। These goods are not used as raw material. Final goods वो होती है जिनको कि हम raw material के रूप में use नहीं कर सकते हैं। Intermediate goods वो होती है जिनको कि हम raw material के लिए use करते हैं। Final goods, these goods are not resold the firm for profit during the accounting year. Final goods जो है एक बार बनने के बाद सेल हो सक, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ही सेल होगी, किसी फर्म को सेल नहीं होगी, रीसोल्ड नहीं हो सकता, वापस उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता। और इंटरमीडिएट गुड जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए वापस रिसोल्व की जा सकती है। वैल्यू इज़ नॉट टू एडेड टू दीज गुड्स, जो फाइनल गुड्स है उसमें और वैल्यू एड नहीं की जा सकती, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें और वैल्यू हम लोग एड कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को बनाने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है। और कंज्यूमर गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को बनाने में हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। These goods are included in the estimation of national product or national income. Final goods का जो estimation किया जाता है वो national income में किया जाता है, जबकि intermediate goods का estimation national income में नहीं किया जाता। Students, आपका homework है, what do you mean by microeconomics, macroeconomics? Explain the difference between microeconomics and macroeconomics. Classification of final goods and intermediate goods and explain the difference between final goods and intermediate goods. Thank you, students.